हाय एवरीवन, तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ इस वीडियो का फुल ट्यूटोरियल शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह आप लोग बहुत ही इजी तरीके से ये प्यारी सी पेंटिंग बना सकते हैं, जिसके लिए बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है। तो सबसे पहले हम एक पेपर शीट लेंगे, आप चाहें तो व्हाइट वाला पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास ब्राउन वाला था तो मैंने वो यूज़ किया। उसके बाद हम एक बड़े साइज़ का फ्लैट ब्रश लेंगे और उसकी हेल्प से बॉर्डर्स पे इस तरह से डार्क ग्रीन कलर अप्लाई करना शुरू करेंगे। तो हम सबसे पहले बैकग्राउंड पेंट कर रहे हैं, आप चाहें तो अपने पेपर के चारों कोनों पे मास्किंग टेप भी अप्लाई कर सकते हैं, बट वो हमारे पास अवेलेबल नहीं था तो आज हम बिना मास्किंग टेप के ही पेंटिंग करेंगे। तो सेंटर में मैं इस तरह से लाइट ग्रीन कलर को अप्लाई कर रही हूँ एंड इन दोनों कलर को आपस में अच्छे से ब्लेंड कर देंगे, जिसके लिए मैं यूज़ करूँगी इस तरह का एक ड्राई ब्रश। आपको गीला नहीं करना है और इसे ड्राई ही रखना है और इस तरह से आपको ब्लेंड करते जाना है, जिससे ये बहुत ही ईजीली ब्लेंड हो जाएगा। एंड बीच में मैंने थोड़ा सा इसके अंदर येलो कलर भी ऐड किया है ताकि ये और भी ज़्यादा ब्राइट दिखे। तो इस तरह से ये होने के बाद आप लोग देख ही सकते हैं कि ये अच्छे से ब्लेंड हो गया है। थोड़ी देर हम इसे छोड़ देंगे ताकि ये ड्राई हो जाए एंड उसके बाद अब हम एक स्मॉल ब्रश लेंगे यानी ज़ीरो साइज़ ब्रश एंड उसकी हेल्प से इस तरह से इसके अंदर ग्रास ऐड करेंगे यानी कि घास बनाएंगे। तो बहुत ही इजी तरीके से ये बन जाएगा। इसमें मैंने कहीं पर लाइट ग्रीन और कहीं पर डार्क ग्रीन कलर का यूज़ किया है। यहाँ पे मैं येलो कलर की हेल्प से थोड़े बड़े बड़े डॉट्स बनाऊंगी, ये हमारे फ्लावर का सेंटर पार्ट होने वाला है तो आप इसे ध्यान से बनाइएगा। उसके बाद मैंने इसके नीचे वाले साइड पर थोड़ा सा ब्राउन और थोड़ा सा ब्लैक कलर भी यूज़ किया है ताकि नीचे की साइड पर थोड़ा सा शेडो सा दिखे। उसके बाद मैंने येलो वाले पार्ट पे थोड़ा सा वाइट कलर भी ऐड किया था ताकि आप लोग देख ही सकते हैं कि किस तरह से शाइन कर रहा है। तो इसका रीज़न यही है कि हमने थोड़ा सा वाइट कलर भी इसके अंदर ऐड कर देना है। उसके बाद मैं एक बड़ा राउंड ब्रश लूँगी, ये साइज़ था 6, और उसके बाद मैं इस तरह से बड़े बड़े पेटल्स बनाती जाऊँगी ऊपर वाले साइड पर यानी येलो वाले साइड पर, और नीचे की साइड पर जहाँ पर हमने ब्राउन और ब्लैक कलर अप्लाई किया था वहाँ पर छोटे छोटे पेटल्स बनाएंगे। तो इसी तरह से हमारा फ्लावर बनके रेडी हो चुका है, हमने सारे फ्लावर्स को इसी तरह बनाने हैं, ऊपर वाली साइड पे बड़े पेटल्स और नीचे वाली साइड पे छोटे पेटल्स, जिससे हमारा फ्लावर थोड़ा रियलिस्टिक दिखेगा। आप चाहे तो फ्लावर्स को थोड़ी दूरी दूरी पर भी बना सकते हैं, मुझसे थोड़े ज्यादा पास पास बन गए थे। अगर आप इसे दूरी पर बनाएंगे तो ये ज़्यादा अच्छा दिखेगा, वैसे ये ऐसे भी ठीक दिख रहा था। और अब हम इसके अंदर छोटे छोटे वाले फ्लावर ऐड करेंगे। कहीं कहीं पे मैंने बहुत ही छोटे वाले फ्लावर बनाए हैं और जहाँ पे बहुत ज़्यादा छोटे बनाने थे वहाँ पे मैंने छोटे छोटे डॉट्स रख दिए। तो अब ये कुछ इस तरह की दिख रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।